पिछली भाग में हमने रानी मदालसा की कहानी को जाना। इस भाग में हम उनकी कुछ लोरियों और उनके अनुवाद के बारे में जानकारी साझा करेंगे। युधोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोहनेद्राम मदाल सोलभ मुआच पुत्रम। रानी मदालसा अपने बेटे से कहती हैं, तुम शुद्ध प्रबुद्ध और गुण दोष से मुक्त हो। ये संसार परिवर्तनशील है और स्वप्न के समान है, इसका मोह छोड़ो और मोह की गहरी नींद से जागो। शुद्धो सिरे तत् नते अस्ति नाम कृतम हि तत् कल्पन्याधूनैव पञ्चात्मकम् देहम् इदम् नतेऽस्ति नैवस्य त्वं रुदिसि कस्य हेतु। तुम सदैव पवित्र हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। नाम केवल एक काल्पनिक अधिरोपण है। पांच तत्वों से बना ये शरीर तुम नहीं हो और ना ही तुम इसके हो। ऐसा होने पर तुम्हारा इसके लिए रोने का क्या कारण हो सकता है? न वै भवन रोदिति विश्वाजन्मा शब्दो मय या ध्याये महेश सुनुमा विकल्पय मानो विविधे गुणस्ते गुणश्च भूतः सकलेन्देषु। जो ब्रह्मांड का सार है वो वास्तव में रोता नहीं है, सब शब्दों की माया है। हे राजकुमार, कृपया इसे समझें। आपके संपूर्ण इंद्रियों में जो विभिन्न गुण प्रतीत होते हैं वे केवल आपकी कल्पना है, वे भी भौतिक ही हैं और उनका आपसे कोई संबंध नहीं है। सुखानि दुखोपशमय भोगान सुखाय जानति विमूढ़ चेता तन्नेव दुखानि पुनः सुखानि जानति विद्वान विमूढ़ चेता। मोहग्रस्त व्यक्ति भोग की वस्तुओं को दुख दूर करने और सुख देने वाला मानता है। बुद्धिमान लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो वस्तु सुख देती है वही बाद में दुख का कारण बन जाती है। भूतनि भूतै परिदुर्बलानि वृद्धे समायति यथे पुंस अन्नम उपानादिभिरेव तस्मात् न तेऽस्ति वृद्धेर न च तेऽस्ति हानिः। तत्व जो इस शरीर को बनाते हैं अधिक तत्वों के संचय से बढ़ते हैं या कुछ तत्वों के हटा दिए जाने पर आकार में कम हो जाते हैं। भोजन पानी आदि के सेवन के आधार पर शरीर के आकार की वृद्धि या दुबला होने में यही देखा जाता है। इससे शुद्ध आत्मा की ना तो वृद्धि होती है और ना ही हानि। आदेति किंचित तनयेति किंचित अम्बेति किंचित दयदेति किंचित ममेति किंचित न ममेति किंचित त्वं भूत संग बहुमानयथा। कुछ लोग पिता कह सकते हैं, कुछ अन्य पुत्र कह सकते हैं या कुछ माँ कह सकते हैं और कोई पत्नी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम मेरे हो और कुछ अन्य कहते हैं कि तुम मेरे नहीं हो। ये सभी भौतिक तत्वों के संयोजन के संदर्भ हैं। इनसे अपनी पहचान मत बनाना। त्वं कंचुके शर्यमाने निजोस्मिन् तस्मिन् देहे मूढताम मा व्रजेथा शुभाशुभ कर्म भिर्देह मेत विवादि कंजुक से पिंडस्थ। तुम अपने इस देह रूपी चोले के जीर्णशीन होने पर मोह न करना। शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तुम्हारा ये चोला
मद आदि से बंधा हुआ है, तुम तो सर्वथा इससे मुक्त हो। अनहचित्तो तत्र गन्तश्च देहो देहो पिचान्य पुरुषो निविष्ठ ममत्व मुरोयन यथायततास्मिन् देहे त्रिमात्रं बत मुदरोषा। जो गाड़ी जमीन पर चलती है वह उसमें बैठे व्यक्ति से भिन्न होती है, उसी प्रकार ये शरीर भी उसके अंदर मौजूद व्यक्ति से भिन्न होता है। शरीर का मालिक शरीर से अलग है, यह सोचना कितना मूर्खतापूर्ण है कि मैं शरीर हूँ। कैवल्य भावो से निर्वित योगी निरामयी ज्ञात समस्त तत्त्वम् मरात्म वृत्ति स्मर चित्त स्वरूपम मंदाल सावाक्य मुपास पुत्र। तुम कैवल्य भाव रूप हो, निवृत्त योगी हो, जन्म मरण जरा आदि रोगों से रहित होने के कारण निरामय हो, समस्त तत्वों के ज्ञाता हो, अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा का स्मरण करो। हे पुत्र, माँ मदालसा के इन वाक्यों को सदैव अपने हृदय में धारण करो। चैतन्य रूपो से विमुक्त भावो भाव विकर्मा से समग वेदी ध्याय प्रकामम परात्म स्वरूपम मंदाल सावाक्य मुपास पुत्र। तुम चैतन्य स्वरूप हो, सभी भावों से पूर्णतया मुक्त हो, सभी कर्मों से रहित हो, संपूर्ण लोकालोक के ज्ञाता हो, एक अखंड सहज शुद्ध रूप जो परमात्मा का स्वरूप है वह तुम स्वयं हो, अतः अपने परमात्मा स्वरूप का ध्यान करो। हे पुत्र, माँ मदालसा के इन वाक्यों को अपने हृदय में धारण करो।